हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें। हमने बताया था, एक बार क्विकली रिकॉल कर दें कि IUPAC नॉमिनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का करना है तो उसको करने के लिए हमको करना क्या है। तो हम तीन यूनिवर्सल स्टेप्स का यूज़ करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन। दूसरा स्टेप हमारे पास होता है लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन के सिलेक्शन के बाद पैरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं उनका काउंटिंग करना, और उसके बाद IUPAC फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कैसे नेमिंग करेंगे उसकी बात हम करेंगे। तीन स्टेप्स होंगे। तो पहले स्टेप की बात कर रहे थे, और उस पहले स्टेप में हम देखे थे कि लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन अल्केन, अल्कीन और अल्काइन में कैसे करें। तो यहाँ तक हम आशा करते हैं कि तुमको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, गौर करना और समझना। अगर मान लो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों अगर प्रेजेंट हुआ चेन में, तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो यहाँ दिमाग में रखना है, हम एक नोट करके पॉइंट लिख दे रहे हैं कि इफ मोर देन वन मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन, देन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन अलोंग विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। सबको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक से ज़्यादा चेन हमको मिल रहा है तो लंबे चेन का सिलेक्शन करेंगे उस चेन को लेते हुए जिसमें सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड का ऑप्शन आ सकता है। क्लियर है बात? चलो देखो, इसको हम इस बात को एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम्पल से। जैसे मान लो अगर हम लोग देखते हैं, एक चेन अगर हम ले रहे हैं और हम इस चेन में देखें, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं ये डबल बॉन्ड है, और इधर पे हमारे पास चेन हो गया, ये बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम करेंगे क्या, इस चेन के नंबरिंग में हम क्या करने वाले, मतलब ये कल सिलेक्शन कैसे करेंगे, एग्जाम्पल हम तुमको समझा रहे हैं। तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन, तो ये इधर इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा हमको, इधर से जाएंगे तो डबल बॉन्ड मिलेगा, तो स्वाभाविक हम इधर से जाएंगे। और इधर से जाने में हम लोग इधर से ऐसे जब जा रहे हैं तो जाने में हम काउंटिंग करेंगे। अब काउंटिंग करने में देखो, हम मतलब तो नंबरिंग करेंगे, कैसे करेंगे नंबरिंग कर रहे हैं, मतलब चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें करने के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे, ये एक डबल, इधर से जाने में डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर से यहाँ डबल बॉन्ड आ जा रहा है, जबकि अगर हम इधर चले जाते हैं तो लंबा चेन मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 लंबा चेन मिल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड इसमें कंसिडर नहीं हो रहा है। तो कहता है कि एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट होगा तो उसमें मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए चेन में, मतलब सबसे ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन हम लोग करने वाले हैं। तो देखो यहाँ से अगर हम इस लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन करें तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन का सिलेक्शन ये सही होगा, क्योंकि इसमें मल्टीपल बॉन्ड जो है वो कंसिडरेबल है और मल्टीपल बॉन्ड इसके अंदर आ गया है। बात सबको समझ में आया? जैसे मान लो हम यहाँ देख रहे हैं ये ट्रिपल बॉन्ड है, हम एक एग्जाम्पल इसको एग्जाम्पल वाइज समझा रहे हैं। अगर ये चेन अगर हमारे पास है और इस चेन में अगर हम देखते हैं और समझते हैं, जैसे मान लो यही चेन हमारे पास आ रहा है और इस चेन को अगर हम देख के चलें तो देखो क्या है, इसी में अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड भी आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है इसमें, दो एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को लेते हुए लंबे चेन का सिलेक्शन है, ऐसे नहीं कि सबसे लंबा यूज नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये नहीं,
सिंपल, इधर भी सिक्स इधर भी सिक्स, लेकिन इधर नहीं जाना है, क्यों? इधर मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है, तो मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन हमको करने का है। मतलब कहीं से भी चेन अगर हम लोग कंसिडर करें और चेन हमारे पास मिल रहा है, तो ऑलवेज चेन के कंसिडरेशन में हमारा कंसिडरेशन हमेशा वो होगा जिसमें लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन हमारे पास आएगा मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए। जैसे यहाँ देखो, ये हो गया इधर 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबसे ज़्यादा ये 9 आ रहा है, लेकिन इसमें केवल एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और अगर हम इधर आ जाते हैं, इसमें मूव कर जाएं, तो देखो इसमें क्या है कि टोटल लॉन्गेस्ट चेन में दोनों का दोनों जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कंसीडर कर लिया गया है। तो हमारी बात सबको समझ में आ रही है? क्या समझना है हमको? हमको ये समझना है कि अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा हो चेन में, तो ऑलवेज उस चेन को पेरेंट बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का मैक्सिमम नंबर उसमें कंसीडर हो जाए। क्लियर है बात? ये बात सबको समझ में आ रही है? मतलब अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है चेन में, तो सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन एलोंग विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया। हमने तीन एग्जाम्पल दिया, एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल और तीन एग्जाम्पल। तो इसको यूज करके हम आसानी से एक से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड भी होगा तो भी हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन, तो यहाँ पे ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे क्या हैं, पेरेंट चेन्स होंगे जिनका सिलेक्शन हम आसानी से कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर है बात सबको? चलो तो अगर हम समझे यहाँ पे, तो उसमें क्लोज चेन और ओपन चेन दोनों अगर हुआ अवेलेबल पैर मतलब मेन कंपाउंड के अंदर, तो हम पेरेंट चेन किसको बनाएंगे? तो अब हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ मूव कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे कुछ केसेस हम ले के चल रहे हैं, स्पेशल केस, अगर हाइड्रोकार्बन में, इफ़ हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन contains both open chain as well as closed chain, open chain और closed chain अगर दोनों present है, तो उस case में हम क्या करेंगे? Then उसमें हम लोग longest parent chain का selection कैसे करेंगे? Then for the selection of longest parent chain, following cases are considered, कुछ केस हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, क्या वो गौर करो। सबको बात समझ में आ रहा है कि अगर हाइड्रोकार्बन में, मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन का ही कंपाउंड हो जिसमें ओपन चेन भी हो जाए और क्लोज चेन भी, ओपन चेन क्लोज चेन तो समझ रहा है स्ट्रेट हुआ, मतलब बार खुला हुआ है, दोनों एंड खुला हुआ है तो ओपन, और क्लोज का मतलब क्या हुआ? क्लोज का मतलब हो गया कि वो साइक्लिक होना चाहिए। तो देखो इन केसेस में हम कैसे कंसीडर करने वाले हैं, तो देखो हम इसको केस वाइज तुमको समझा दे रहे हैं कि तुम आसानी से इस चीज़ को समझ सको। पहला केस कहता है कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन क्लोज चेन इज इक्वल और ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन। समझ में आई बात? पहला कंसिडरेशन हम ये कर रहे हैं कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लोज चेन के केस में, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन अगर इक्वल और ग्रेटर है तो हम क्या करेंगे? तो इस केस में देन, तो इसमें कहता है देन हमारा जो होगा कौन, देन क्लोज चेन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज
पैरेंट चेन। सबको बात समझ में आ गई। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ओपन चेन और क्लोज चेन में की बात कर रहे हैं तो क्लोज चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम आए या सेम कार्बन एटम अगर आ रहे हैं तो ऑलवेज क्लोज चेन को हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। चलो इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। देखो जैसे मान लो अगर हम ये चेन देख रहे हैं, ये हो गया, यही पे अगर हम लोग हमारे पास चेन अगर दिख रहा है ये, ये हो गए। कुछ एग्जांपल हम तुमको समझाए। इसमें देखो अगर हम गौर करें और समझे, यहां पे 1 2 3 क्लोज चेन में 3 कार्बन है और ओपन चेन में 2 कार्बन है। क्लियर है? इसमें 3 कार्बन और इसमें 2 कार्बन। तो ये वाला जो होगा हमारा जो है क्लोज चेन जो है, ये क्लोज चेन किसकी तरह काम करेगा? पेरेंट चेन की तरह काम करेगा। क्लियर है बात? यहां देखो 1 2 3 4 5 इसमें कितने कार्बन हो गए? इसमें 5 कार्बन हो गए। इसमें जाओगे तो 1 2 3 इधर कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो ज्यादा किसमें है? इसमें। तो पेरेंट चेन हमारा कौन होगा? तो पेरेंट चेन हमारा कौन हो जाएगा बेटा? तो ये क्लोज चेन हमारा पेरेंट चेन होगा। अच्छा एक कंसिडरेशन इसमें भी देख लो, 1 2 3 4 यहाँ कितने कार्बन है? 4 कार्बन। अच्छा यहाँ देख लो 1 2 3 और ये अगर हम लोग लेके चल रहे हैं 3 एंड 4 ये देखो, तो यहाँ पे भी बाहर में भी 4 कार्बन है और अंदर में भी। चलो इसको पहले और आसान कर देते हैं, यहाँ कर देते हैं, ऐसे रखो चाहे वैसे रखो बात बराबर है। मतलब बाहर वाला जो चेन है उसमें कार्बन एटम कितने हो गए? 4। तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। तो इस केस में भी हमारा पेरेंट चेन हमारा कौन होगा? हमारा क्लोज चेन ही है। जो क्लोज चेन हमारा है वही क्लोज चेन हमारा कंसिडर किया जाएगा किसकी तरह? पेरेंट की तरह। सबको बात समझ में आ गया? क्लियर है बात? मतलब एक बार फिर से हम रिपीट कर दें कि अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम क्लोज चेन के अंदर ओपन चेन के कंपैरिजन में अगर ज़्यादा हुआ या उसके बराबर हुआ तो क्लोज चेन ही ऑलवेज पेरेंट चेन की तरह कंसिडर किया जाएगा। बात सबको समझ में आ गया? क्लियर है बात यहाँ तक? अब देख अगर अब दूसरा केस ले लो, दूसरा केस, केस टू, सेकेंड केस कहता है इफ टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन क्लोज चेन। तो इस केस में तब क्या कहता है? देन ओपन चेन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। तो इसमें हम पेरेंट चेन किसको कंसिडर करेंगे? ओपन चेन को हम पेरेंट चेन की तरह कंसिडर करेंगे। सबको बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आना ही चाहिए, क्यों? रंजन सर पढ़ा रहे हैं। अरे है ना, चल। तो कहने का मतलब ये हुआ, एग्जाम्पल लेते हैं, चल इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बेटा। जैसे मान लो हमने यही एग्जाम्पल ले लिया, ये कंपाउंड अगर हम ले लें और ये हमारे पास एक कंपाउंड हमको दिख रहा है, ये देख, यहाँ पे ले ले 1 2 3 4 5 इसमें कितने कार्बन है? 5 कार्बन। यहाँ देख 1 2 3 4 5 6 कहीं भी हो कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अगर चेन अलग हो तो इसका कंसिडरेशन अलग होगा, यहाँ है इसका कंसिडरेशन अलग होगा। क्लियर है? तो ये ख्याल रखना है, इससे हमको मतलब नहीं, ये 2 कार्बन का चेन, 1 कार्बन का चेन, ये 5 कार्बन का चेन और एक ये चेन, तो ये ध्यान देना है। यहाँ 5 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है और यहाँ पे जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इस चेन में कितने कार्बन है? 8 कार्बन। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसमें किस में ज़्यादा है? इसमें, इस चेन में, इस ओपन चेन में 8 कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, इस ओपन चेन में 1, तो ये तो पहले ही साइड हो गया, और ये 5 कार्बन, ये 8 कार्बन, तो इस कारण से हमारा ये जो है ये हमारा क्या होगा? पेरेंट चेन होगा और ये जो होगा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा। सबको बात समझ में आ गया? तो ये बात हमको हमेशा कंसिडर करके रखना है कि कोई भी चेन अगर हमको दे रखा है और उस चेन में अगर हम देखते हैं, जैसे मान लो यही है 1 2 3 इसमें 3 कार्बन
और 1, 2, 3, 4 ओपन में कितने हो गए, 4 कार्बन, तो पेरेंट चेन कौन होगा, यहाँ पे ओपन चेन जो हमारा है वही ओपन चेन पेरेंट चेन होने वाला है। ये बात सबको समझ में आ गया, मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम ओपन चेन में अगर क्लोज चेन से ज़्यादा हुआ तो उस केस में ओपन चेन को कंसिडर करेंगे, और नहीं तो अगर क्लोज चेन में ज़्यादा या बराबर हुआ तो क्लोज चेन को पेरेंट चेन की तरह कंसिडर किया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ गया, एकदम आसान सा बात है। तो हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे थे कि लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन का सिलेक्शन जितने भी हाइड्रोकार्बन है पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद उनका नंबरिंग एक साथ देखेंगे, और फिर एक साथ उनका नेमिंग देखेंगे। तो एक साथ कोई भी हाइड्रोकार्बन कोई भी दे देगा तो हम आसानी से उसका नाम लिख देंगे, इस कारण हम इनको एक साथ लिखने का प्रयास कर रहे हैं। बात सबको समझ में आ रहा है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते कुछ केस और इसमें ऐड कर लो, अगर मान लो इसमें तीसरा केस, यहाँ तक सबको क्लियर है, चलो अब हम तीसरे केस की तरफ मूव करते हैं, गौर करना और समझना सब। देखो अगर तीसरा केस है कि अगर ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, तीसरा केस अगर ओपन चेन हो या क्लोज चेन हो, उसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया, इफ मल्टीपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द चेन, देन इरिस्पेक्टिव ऑफ लेंथ ऑफ द चेन हैविंग मल्टीपल बॉन्ड इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। क्लियर हो गया बात, चलो क्या मतलब हुआ कि अगर पेरेंट चेन के अंदर, मतलब पेरेंट चेन करे कोई भी चेन जिसके अंदर ओपन हो चाहे क्लोज हो, जिसके पास भी मल्टीपल बॉन्ड आ गया, क्या आ गया, मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कोई भी आ गया, तो उस केस में हमको क्या दिमाग में रखना है कि उस जिसके पास भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वही पेरेंट चेन होगा। चलो इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं बेटा। देखो जैसे मान लो एक एग्जांपल अगर हम लोग ये ले लें, देखो यहाँ पे कंसीडर करो, ये देखो अगर हम लोग यहाँ देखेंगे इस कंपाउंड में, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे 1, 2, 3 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 तो ये है, तो अगर कुछ नहीं है सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 4 कार्बन, ये पेरेंट और ये, लेकिन अगर इसी में मान लो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड एक लगा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अब नंबर का कोई मतलब नहीं है कि 3 है कि 4 है, उससे मतलब नहीं है, अब मतलब क्या रह गया, जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड वही पेरेंट चेन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट चेन हो जाएगा, और ये जो होगा ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेगा। क्लियर हो गया बात, जैसे मान लो ये देखो एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो ये कंपाउंड अगर हम लोग लेके चल रहे हैं, ये कंपाउंड ले लो, यहाँ गौर करो, तो इसमें क्या है 1, 2, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से मतलब नहीं है, कार्बन साइड हो गया, यहाँ मल्टीपल बॉन्ड हो गया, तो पेरेंट कौन होगा, पेरेंट हमेशा कौन होगा, ये ज़्यादा होते भी हुए भी पेरेंट चेन हमारा जो होगा ये वाला जो है वो पेरेंट चेन की तरह काम करने लगेगा। सबको मेरा बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब देखो जैसे मान लो यही चेन अगर हम लोग देख लें और इसी को कंसीडर करके चलते हैं, देखो हमने यहाँ पे इस चेन को देखा, ये देखो अगर ये ले रहे हैं हम, ये करोगे ये चेन, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं डबल बॉन्ड और ये चेन, ठीक है, तो अब एक एग्जाम्पल और, मतलब ये एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, हम तीनों की बात कर रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल और ले लो, यहाँ पे ले लिए डबल बॉन्ड, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसमें गौर करें तो देखो क्या है, यहाँ पे देखें तो डबल बॉन्ड, इसके पास डबल बॉन्ड है नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड है, इसके पास डबल बॉन्ड है, हाँ, तो इसके पास नहीं है, तो स्वाभाविक है ये नहीं, तो ये साइड डबल बॉन्ड है, तो डायरेक्ट इसी को हम क्या बना देंगे, पेरेंट चेन, मतलब जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड रखेगा पेरेंट चेन वही होगा। क्लियर है, हाँ, एक बात और समझ सकते हैं, अगर मान लो कह दोगे कि सर मान लीजिए कि यहाँ डबल बॉन्ड आ जाता इसमें भी, तब
तो फिर अब आ जाएगा इसमें भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड, तब फिर नंबर पे आ जाएगा कि इसमें क्या है, इसमें 6 कार्बन एक डबल बॉन्ड, ये 2 कार्बन एक डबल बॉन्ड तो ज्यादा इसके पास है, तो ये हमारा जो हो गया ये पेरेंट चेन की तरह कंसीडर होगा, और ये जो हमारा है ये और ये किसकी तरह काम करेंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करने लगेंगे। सबको बात समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको, सबको बात क्लियर हो गया। मतलब अगर मल्टीपल बॉन्ड आने लगे कंपाउंड के अंदर तो अंडरस्टूड हो गया कि जिसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा पलरा हमेशा उसी का भारी होगा और पेरेंट हमेशा उसी को कंसीडर करके बना देना है। ये बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है बात सबको, वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल इससे रिलेटेड था। हम एक कंसिडरेशन और हम करते हैं, गौर करना और समझना। ये सारे केसेस जो है ना हम एक ही साथ डिस्कस करके तुमको दे रहा है कि तुम बड़ा आसानी से इसको समझ सको और इस चीज को रिलेट कर सको, क्लियर है बात। तो चलो देखते हैं और समझते हैं। देखो कहने का मतलब हुआ अगला केस, हम लोग आते हैं केस 4 पे, गौर करो। अब कहता है कि अगर अगर सेम हाइड्रोकार्बन मतलब सेम क्लोज कंटेनिंग चेन दोनों एंड पे, ओपन चेन के दोनों एंड पे अगर सेम कार्बन कंटेनिंग ग्रुप लग जाए तब उस केस में हम लोग क्या करेंगे। तो उस केस में क्लोज चेन जो है वो ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा और ओपन चेन क्या है वो पेरेंट की तरह काम करेगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों नहीं हो। हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, देखना और समझना। यहां पे कहता है कि अगर, देखो हम वही बात पहले लिख देते हैं कि इफ बोथ इंड ऑफ एन ओपन चेन कंटेन्स सेम नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लोज चेन, then ओपन चेन इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज पेरेंट चेन। ये ऑलवेज पेरेंट चेन की तरह कंसिडर किया जाएगा। कहने का मतलब समझ, जैसे मान लीजिए एक चेन बेटा और एक ये चेन, तो थोड़ा समझ इसको और देख क्या दिख रहा है इसमें। ये देख, ये भी क्लोज चेन इधर बेटा और इधर भी क्लोज चेन है, दो क्लोज चेन है। अच्छा यहाँ पे ये ओपन चेन है, तो इस ओपन चेन के इधर पे भी और इधर पे भी, इधर भी क्लोज चेन सेम क्लोज चेन और इधर भी सेम क्लोज चेन, समझ में आई बात। ओपन चेन में कितना कार्बन है, एक ही कार्बन, फिर भी हमारा एक कार्बन वाला जो ओपन चेन है उसी को हम क्या करेंगे, पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे। सबको बात समझ में आ गया। एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। चलो अगर मान लो, मतलब इसको अगर देखे, जैसे एक एग्जांपल और दे दें तुमको, ये देखो, ये देख, ठीक है, यहां देखो 1 2 3 4 ये हो गया 4 कार्बन, इधर देखेंगे 1 2 3 4 4 कार्बन, सेम कार्बन का दोनों इंड पे लगा हुआ है, और इसमें गौर करेगा तो इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन ही। तो दोनों इंड, अगर किसी ओपन चेन के दोनों इंड पे सेम अगर क्या लग जाए, सेम क्लोज चेन लगा हो, तो डेफिनेटली उस केस में हमारा जो ओपन चेन है, ओपन चेन ही हमारा किसकी तरह काम करेगा, पेरेंट चेन की तरह कंसीडर किया जाएगा। बात सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अरे बर्दाश्त हो रहा है ना, मतलब बर्दाश्त कर रहा है ना सब रे, घर बैठ के ही इंजॉय करेगा, यही काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा, रंजने सर काम आएंगे वही काम आएगा, समझा कि नहीं सब, तो इंजॉय करते रहेगा बैठ के। अब देखो, अच्छा अब एक चीज और आ जाएगा, क्या सो देखो, यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं हम, क्या सो देखो, अभी क्या है, अगर फिर कहोगे सर अच्छा मान लीजिए, ये एक कंसिडरेशन और हम लोग करेंगे, मान लीजिए कि एक ओपन चेन है, तो ये अगर ऐसे चेन हो गए, ये हो गया, और एक चेन अगर हमारे पास यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे ऐड करके हम लोग ये हो गए, ये चेन अगर हमने ला दिया और यहाँ पे एक हमने ऐसे ऐड कर दिया, ठीक है, समझ आ रही बात। तो इस कंसिडरेशन में हम क्या करेंगे, तब तो यहाँ पे कितना है, 5 कार्बन, और यहाँ पे क्या है, 3 कार्बन, तो
तो बड़ा कौन है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है, तो उस केस में पेरेंट चेन कौन होगा, ये पेरेंट चेन होगा। समझ में आ रही बात, हम कुछ केसेस डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और, थोड़ा बात जब आ ही रही है तो हम इस भी बात को थोड़ा सा तुमको समझा देते हैं, इस बात को हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मिनट रुकोगे, देखो हम इसको डिस्कस कर देते हैं। देखना पहले तो ये बात सबको समझ में आ गई, चलो एक बात और हम तुमको बस ऐड कर दें, इस ये जो बात आ गई है तो थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, किसी को बुक्स में मिल सकता है, शुरुआती दौर में ही है हम लोग तो मिलेगा, तो हम तुमको एक्सप्लेन करते हैं। देखो हमारे पास थोड़ा ऑप्शंस को गौर करना, तुमको हम थोड़ा ऑप्शन समझा दें। ये देख जो अभी हमने कंपाउंड बनाया, हमने एक कंपाउंड ये बनाया, ठीक है, मतलब ये दो क्लोज चेन एक कार्बन के थ्रू जुड़ा है। एक ऑप्शन और तुमको समझा दे, देख या दूसरा ऑप्शन हो गया, ये दोनों दो कंपाउंड एक दूसरे से बिना किसी कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड से जुड़ गए, एक ऑप्शन ये हो गया। अच्छा एक ऑप्शन और तुमको देखने में मज़ेदार लगेगा, लगे ये इतना तरीके इत बड़ा बढ़िया है, इक्के तरह का लग रहा है नहीं देख समझ लग रहा है कि इसमें कटले जा रहे हैं, कटले जा रहे हैं नहीं, तो देखो तीनों कंपाउंड्स अलग, ये नहीं कि सब हर एक ही तरह बहा नहीं देगा, सब तीनों अलग अलग चीज़ है बेटा, ठीक है। ये कंपाउंड इसी के बारे में हमने डिस्कस किया पहले कि ओपन चेन के साथ सेम इंड के साथ जो है वो ये है, समझ में आई बात, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। इस कंपाउंड को हम कहते हैं असेंबल्ड हाइड्रोकार्बन, क्या बोलते हैं, असेंबल्ड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन असेंबल्ड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, तो इसका नेमिंग हम लोग आगे करेंगे, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, बात समझ में आ रही। और ये अगर दो क्लोज चेन डायरेक्ट फ्यूज हो गया सिंगल चेन से तो इसको बोलते हैं एस्पायरेंस, क्या बोलते हैं, एस्पायरेंस, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं, तो इसका नेमिंग भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझ में आया बात। ये नहीं कि सबको एक ही तरह समझ लेगा, ये केस कंसिडरेबल केवल और केवल किसके लिए है, तो जिसमें सेम इन मतलब छोटे के साथ साथ दो चेन एक दूसरे से, मतलब एक ओपन चेन के साथ दो सेम दोनों इंड पे सेम क्लोज चेन जुड़ा होगा, तब हम इस चीज को कंसीडर करेंगे, इनके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सबको बात क्लियर हो गया, तो ये कंसिडरेशन क्लियर हो गया। तो हमारे पास क्या हुआ कि सेम कार्बन कंटेन, मतलब ये था हाइड्रोकार्बन में कोई भी हाइड्रोकार्बन आ जाए उसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करें, तो अब हम कैपेबल हैं कि पेरेंट चेन को आसानी से सिलेक्ट कर सकें और उनके बारे में समझ सकें हाइड्रोकार्बन का। क्लियर है बात, ये बात सबको समझ में आ गया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर फिनिश करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग इसके आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है।